दीशार्दे ममकार सिद्ध कुरु नमः ओम खीं तीं छीं ह्रीं तें ब्रीं हीं ओम एम शारदे नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। देखिए, हर व्यक्ति किसी न किसी तंत्र बाधा से परेशान है। आपको भी लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्म का बंधन, बुद्धि का बंधन, तंत्र का बंधन किया गया है, कुल देवी देवताओं का या हमारे पितरों का बंधन किया गया है, तो आज का यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। अक्सर जब कुल देवी देवताओं और पितरों का बंधन हो जाता है तो हम चाहे जितनी भी पूजा पाठ कर लें, चाहे जो भी जाप कर लें, चाहे जिस तरह की साधना कर लें, उसका फल हमें लगभग नहीं मिल पाता, क्योंकि कुल देवी देवता और पितर हमारी सीढ़ी होते हैं। मंत्रों की जो ऊर्जा होती है या जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, उसकी ऊर्जा का आदान प्रदान इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए ये हमारी सीढ़ी होती है। जब बीच की सीढ़ी ही बंधन में हो तो हम कितनी भी पूजा कर लें, कितना भी पाठ कर लें, कुछ भी कर लें, हमारे शरीर में तो ऊर्जा बनती है और वो हम देते भी हैं, लेकिन वो पितरों के माध्यम से ही उसे संबंधित इष्ट के पास पहुँच पाती है जिसका हम जाप ताप करते हैं, और जब वहाँ तक वो ऊर्जा नहीं पहुँच पाती तो हमको रिटर्न में नहीं मिलती है और हमारा बीच में जो सीढ़ी है वो बंधी होती है, उस वजह से दिक्कत होती है और हमें किसी भी पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता। इसके अलावा बुद्धि का जब बंधन होता है तो हमारे मन में अच्छे ख्यालों का आना बंद हो जाता है, हमें जिससे हमें लाभ होने वाला होता है ऐसी बुद्धि हमारी कार्य ही नहीं करती। हमेशा जिस चीज़ से हमें नुकसान होगा उसी के बारे में हमारे विचार जाएंगे और वह हम काम करने पर विवश हो जाएंगे। बुद्धि के बंधन में अक्सर भूलने की समस्याएँ भी कई लोगों को होती हैं। कर्म का बंधन जिनका होता है वो कितनी भी नौकरी कर लें, कितना बड़ा व्यापार चला लें, कुछ भी कर लें, वो कर्ज में हमेशा डूबे हुए रहते हैं और धन तो आता है उनके पास, क्योंकि देखिए काम पहले से चालू था, धन तो आता है लेकिन उनके पास रुकता नहीं है। और कई लोगों को तो धन एक एक पूंजी के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि कर्म का बंधन इतना तगड़ा होता है कि उनका दिमाग ही नहीं काम करता कि हम क्या करें, और करने जाते भी है तो उसमें इतना ज़्यादा घाटा होता है कि कमाने जाते हैं 4 रुपये और नुकसान होता है 8 रुपये का, तो इस तरह कर्म का बंधन होता है। लेकिन यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, हर प्रकार के तंत्र बंधन को यह काटने में सक्षम मंत्र है। इसके अलावा इस मंत्र के प्रभाव से भूत प्रेत, टोना टोटका, मारण मूठ, उच्चाटन, वशीकरण, तरह तरह की जिन्न की बाधाएं, मदि मशान की बाधाएं, खब्बीश ब्रह्म राक्षस की बाधाएं, हर तरह की बाधा का इस मंत्र से काटन होता है और समस्त प्रकार के संकटों का हरण भी होता है। इस मंत्र का प्रयोग यदि सिद्ध करने के बाद एक बार व्यक्ति करता है तो हर प्रकार के बंधन का काटन हो सकता है। माँ शारदा विद्या और बुद्धि की देवी जानी जाती है और इनकी जो सेवा करता है, सच्चे मन से ध्यान करता है, उसे विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। और तंत्र मंत्र टोना टोटका ये सभी चीज़ें हमारी बुद्धि से और हमारी विद्या से चलते हैं, और माँ शारदा का यदि हम मंत्र स्मरण करते हैं और तो निश्चित ही मानिए कि हर प्रकार का तंत्र बंधन तो कट ही जाएगा। लेकिन यदि जो शत्रु है वह हमारे ऊपर बार बार घात कर रहा है, यदि किसी ने हमारे ऊपर तंत्र बंधन करवा दिया है तो माँ शारदा विद्या बुद्धि की देवी है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे और उसकी विद्या का भी समापन कर देंगे। लेकिन इन मंत्रों का जितना भी आप परोपकार में इस्तेमाल करते हैं उतनी ही ज़्यादा इन मंत्रों की शक्ति बढ़ती रहती है। आप एक बार यदि सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो हर तरह का बंधन कट जाता है। आज हम इसी मंत्र का सिद्ध करने का और प्रयोग करने का विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। नवरात्रों का समय, खासकर चैत्र नवरात्रों का समय माँ शारदा के मंत्रों को सिद्ध करने के लिए विशेष माना जाता है। छोटा सा उपाय, थोड़ा सा जप, थोड़ा सा हवन, थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़ा सा समय लगाकर माँ शारदा माता के इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं, स्वयं की बाधा का हरण कर सकते हैं और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। हमने कहा निजी स्वार्थ के लिए इस मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र से शत्रु का हनन भी होता है। देखिए, मंत्र तो होते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन मंत्रों का प्रयोग करने का जो तरीका है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से होता है। इस मंत्र का भी शत्रु नाश में भी प्रयोग किया जाता है। तंत्र काटने के साथ साथ भूत प्रेतों को हटाने के साथ साथ इसका शत्रु नाश में भी प्रयोग किया जाता है। तो शत्रु नाश में प्रयोग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस मंत्र का भूत प्रेत को हटाने में, तंत्र बाधा को काटने में प्रयोग करें तो इस मंत्र की शक्ति अच्छी बढ़ती रहती है।
चलिए आज मंत्र का हम एक बार आपको श्रवण कराते हैं और फिर चल के इसकी आपको विधि बताते हैं, वो भी आसान तरीके से जिसे आप समझ पाए और इस विधि को नवरात्रों में कर अपने परिवार को, घर को, कुल देवताओं को, पितरों को, बुद्धि को, कर्म को बंधन से मुक्त कर पाए, जिससे जिंदगी हमारी सुचारू रूप से चल पाए। क्योंकि जब बंधन होती हैं तो हमारी जिंदगी बहुत उथल पुथल होती है, चाहते तो हम बहुत कुछ है करना लेकिन वो हो नहीं पाता है। चलिए मंत्र को श्रवण करिए और फिर इसकी विधि हम जानते हैं। आत कुआं पाताल की महारानी, कुआ ताल की कंकाली, पत्ने घाट ऊंची टोरिया, बैठे माई कली, यो प्रकाशी में चंडी बैठे अपना आसन डारे, लीलजी घाट ऊंची पहाड़िया, शारद डेरा डारे, आला रोज सफर खोर के आवे, माँ शारद को ध्यान लगावे, शारद करे सिंघा की सवारी, चढ़े ऊंची पहाड़ी, काली को खप्पर चले, कंकाली को बाना चले, चंडी को खड़क चले, विंदेश्वरी को त्रिशूल चले, माँ शारद को आदेश चले, उत्तर को काट, पश्चिम को काट, पूरब को काट, दक्षिण को काट, टोना काट, टोटका काट, शमशान को बंधन काट, चेटक काट, मारण काट, मूठ काट, वशीकरण काट, उच्चाटन काट, भूत काट, प्रेत काट, डायन काट, बेताल काट, मरी मशान काट, हब्बीश ब्रह्म राक्षस काट, छिन्न कर भिन्न कर, काट काट काट, खेत कूट को खैरों काट, कुल को काट, कुल पितरन को बंध काट, बुद्धि को काट, कर्म को बंधन काट, घर को काट, बाहर को काट, हर तरह को बंधन काट, धार को काट, हथियार को काट, बैरी को बल, दुष्ट को बाण काट, भय को काट, डर को काट, रोग को काट, सुख को काट, संकट को काट, विसंकट को काट, अस्त्र काट, शस्त्र काट, भेजा काट, भजाया काट, बैरी दुष्टन को कलेजा काट, शारद की हंकार, ब्रह्मा को वेद, असुर को बाण, विष्णु को चक्र, शिव को त्रिशूल, इंद्र को वज्र, राम की भक्ति, गुरु की शक्ति, रक्षा करे परमेश्वरी, माँ शारदा घंटा की फुंकार, शंख की फुंकार, बैरी दुष्टन को मार, निकल पड़े रक्ति धार, जब लगे शारद अहंकार, पूरे मंत्र चले मंत्र महागुरु के बाजा से, ओम क्लीम मोदी शारदे ममकार सिद्ध गुरु नमः। देखिए इस तरह का मंत्र है जो हम नीचे बोला लास्ट में, ओम क्लीम मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध गुरु नमः। यह है मंत्र, इस पहले वाले मंत्र का हिस्सा नहीं है, इसको हम अपनी तरफ से लगा कर सुनते हैं। हम आपसे हमेशा सलाह देते हैं कि कोई भी मंत्र हो, चाहे साबर मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, उसका यदि आप जापन करने वाले हैं, उसका प्रयोग करने वाले हैं, शुद्धिकरण करने वाले हैं, तो उस मंत्र के पीछे उस इष्ट का बीज मंत्र या कोई ऐसा शॉर्ट मंत्र लगाया करके, तो हमारे जो मुख्य मंत्र है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो ये शारदा माता का एक शॉर्ट मंत्र है, लेकिन माँ शारदा के साबर मंत्र के साथ इसको हम जोड़कर लगाते हैं तो हमारे साबर मंत्र की शक्ति थोड़ा सा उग्र बनी रहती है और अच्छी ऊर्जा मिलती है। माँ शारदा के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए नवरात्रों की जरूरत पड़ती है। आप किसी भी नवरात्रों में और किसी भी नवरात्र के अलावा चैत्र नवरात्रि में विशेष माना जाता है। तो चलिए अब माँ शारदा की इस मंत्र की सिद्धिकरण के बारे में जानते हैं। देखिए इस मंत्र को आपको 9 दिन में सिद्ध करना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम में बहुत सारे मंत्र सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन वो शक्ति नहीं मिल पाती जो 9 दिन सिद्ध करने में हमको मिलती है। तो कैसे सिद्ध करना चाहिए इसको, थोड़ा सा कठिनाई वाला विषय है, लेकिन आप प्रयास करेंगे और आप साधक हैं तो एक बार में ही यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। माँ शारदा का चित्र स्थापित कर लीजिए और माँ शारदा का चित्र आसानी से कहीं भी आपको मिल जाता है। माँ शारदा को एक पटे के ऊपर स्थापित करिए, उनके सामने बढ़िया से साफ सफाई रखिए, गौ के गोबर से एक चौक लगा लीजिए या लीपन पुतन कर लीजिए, उसके ऊपर फिर आटा का चौक पूर लीजिए, चौक के ऊपर बढ़िया से थोड़ा सा अनाज रख दीजिए, उसके ऊपर एक कलसा लगा दीजिए, कलश में एक बढ़िया बत्ती जलाइए जो कि काफ़ी समय तक जलने वाली बत्ती हो, और जो दीपक है वो भी काफ़ी बड़ा हो, क्योंकि आपको जो जोत जलानी है वो 9 दिन कम्प्लीटली जलानी है, बीच में आपकी जोत जो है बुझनी नहीं चाहिए, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो पर्याप्त बत्ती और पर्याप्त बड़ा दीपक और बढ़िया साफ सुथरा तेल डाल दीजिए और उसमें जोत लगा दीजिए। इसके बाद अपना आसन आप ग्रहण कर लीजिए, माँ शारदा का ध्यान करके माला का इंतजाम करिए। कमलगट्टी की माला यदि आपको मिलती है बहुत अच्छी बात है, चंदन की माला का भी आप उपयोग कर सकते हैं, और जब कोई माला आपके पास उपलब्ध नहीं है तो रुद्राक्ष की माला आसानी से मिल जाती है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो माला का इंतजाम कर लीजिए, माँ शारदा का विधि विधान से पूजन करिए। अब कैसे पूजन करना है तो आपको पता ही है, माँ शारदा को पहले स्नान करा दीजिए कुशा की सहायता से, कुशा नहीं है तो पुष्प की सहायता से स्नान करा दीजिए, अपने आप का पवित्रीकरण करिए, हाथ धोइए, आचमनी करिए, सब कुछ करने के बाद उसके बाद माँ शारदा का स्नान कराइए, अपने कुल देवी देवता पितरों का भी स्नान कराइए,
भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, माँ शारदा से प्रार्थना करिए, तिलक लगाइए, उसके बाद अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, फिर धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य माता को अर्पण करिए। इसके बाद एक घट कम से कम आप खेती बोए, एक घट ले लीजिए मटका, उसको बढ़िया से काट लीजिएगा, उसमें बढ़िया भुरभुरी मिट्टी डाल लीजिएगा और उसको माता शारदा के दाहिने तरफ आप स्थापित करिएगा और उसमें मिट्टी में बढ़िया जौ ला के बढ़िया से बो दीजिएगा, बैठ ये आपका सुबह का काम है, शाम का कारण नहीं, हम आपको सुबह का बताए थे। इसके बाद माँ शारदा को आप ध्यान करते हुए बढ़िया से पूजा पाठ करिएगा सुबह टाइम और अपने आसन से आप उठ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 9 दिन आपको संपूर्णतया व्रत रहना है। यदि आप व्रत नहीं रह पाते हैं तो फिर इस मंत्र को सिद्ध करने का विचार आप छोड़ दीजिएगा। अब सुबह की आपकी पूजा हो गई, घट बुक गया आपका, माता की शारदा की आपने पूजा कर ली, शाम को आप फिर माता की पूजा करिए, अपने आसन पे आप विराजमान होंगे। अब शाम को स्नान की जरूरत नहीं है, माता से सिर्फ प्रार्थना करिए, ज्योति जला लीजिए और अपना दीपक तो आपने सुबह ही प्रज्वलित कर दिया था तो दीपक का शॉर्टकट में आप पूजन कर लीजिए और माँ शारदा से प्रार्थना करते हुए जप के लिए बैठ जाइए, अपनी माला उठाइए और जो मंत्र हमने अभी आपको श्रवण कराया जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिखने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस मंत्र का हमने श्रवण भी उपलब्ध कराया है। इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसका श्रवण भी उपलब्ध है और स्क्रीन पर मंत्र का लेखन भी है, तो आप वहां से देख देख के कंठस्थ कर सकते हैं, साथ साथ में सुनेंगे और साथ में पढ़ेंगे तो मंत्र कंठस्थ हो जाएगा, तो देख लीजिएगा चाहे डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। और मंत्र देखिए बहुत बड़ा है, हो सकता है डिस्क्रिप्शन में यह ना आ पाए, हम आए तो टेलीग्राम में हम लिख देंगे तो आप देख लीजिएगा। मंत्र की माला आप जप करिए, अब इसकी माला आपको अनंत माला जपनी करनी है, इसकी माला सिर्फ आपको एक माला जप करनी है एक दिन में, तो शाम को जैसे ही आप 6-7 बजे 8 बजे जितने बजे भी आप पूजा विस्तारते हैं, अपनी पूजा करते हैं, संध्यावती करते हैं तो उस समय अपनी बढ़िया संध्यावती करिएगा, माँ शारदा के सामने बैठ जाइएगा और इस मंत्र की सिर्फ एक माला जप करिएगा और एक माला जप करने के बाद माता को प्रणाम करिएगा और फिर अपने आसन से उठकर फलाहार या तिंतु खाना जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। ये क्रिया आपको 9 दिन तक लगातार दोहरानी है, 9 दिन तक मतलब इस पूरे मंत्र की आपको 9 माला करनी है, लेकिन प्रतिदिन एक माला ही करनी है, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, प्रतिदिन एक माला करनी है। अब ध्यान देने वाली इस मंत्र में ये बात है कि जो आपने ज्योति जलाई है वह आपकी 9 दिन तक बुझनी नहीं चाहिए, तो ज्योति में बत्ती पर्याप्त अच्छी क्वालिटी की लगाइएगा और किसी कारण बत्ती चीज़ें कभी कभी होती है, कुछ ऊपर कवच लग जाती है, फूल बन जाता है तो बत्ती बुझने की संभावना होती है, तो उस बत्ती को सुधारने से पहले दूसरी बत्ती जला लीजिए, उसमें अग्नि जला लीजिए और पहले दीपक में अपने लगा लीजिए और पुरानी बत्ती को सुधार दीजिए और फिर उसमें आप जला दीजिए। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि ज्योति किसी भी तरह बुझनी नहीं चाहिए, चाहे जो आपको करना पड़े, और उसमें तेल का पर्याप्त ध्यान रखिए, रात में भी ध्यान रखिए कि किसी तरह ज्योति हमारी बुझने ना पाए, हवा का इंतजाम करिए, उसकी पूरी व्यवस्था करिए कि ज्योति में हवा हवा भी नहीं लगे कि बुझने की संभावना हो। ऐसा आप 9 दिन तक करते रहते हैं तो आपका यह मंत्र पूरी तरह सिद्ध हो जाता है। कई भक्तों के साथ तो इस मंत्र के साथ ऐसा होता है कि माँ शारद का दर्शन भी होता है और 80% लोगों को ऐसा हो जाता है, यदि उनकी श्रद्धा पक्की है और उनके विधि विधान में कोई कमी नहीं है तो मतलब माँ शारद का दर्शन कभी कभी लोगों को प्राप्त हो जाता है। 9वें दिन इस मंत्र की लास्टवीं माला आपको करनी है शाम को, उस समय तक अब ये नहीं करना कि फलाहार करने के बाद इस मंत्र का जापन करें, तो ऐसा नहीं किया करिए, शाम को पूजा पाठ और जप के बाद ही अपना फलाहार किया करिए, इसलिए हमने कहा 6 के बाद आप बैठा करिए, 2 घंटे लगेगा इसकी एक माला करने में आपको, तो आप देख लीजिएगा 2 घंटे का समय आपको आसानी से मिल सकता है, 10 घंटे नहीं लगने वाला, प्रतिदिन 2 घंटे आपको शाम को लेने हैं इस मंत्र का जापन करने के लिए। 9वें दिन आपको फिर से इसकी माला जप करनी है और फिर टोटल संख्या निकालनी है कि हमने 900 लगभग जाप किया है 9वें दिन तक, उसका 10% निकाल लीजिएगा और 10% थोड़ी सी अग्नि जलाकर माता रानी के इसी मंत्र के साथ 10% हवन कर दीजिएगा, आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। बीच में यदि माँ शारदा के दर्शन हो जाते हैं या किसी तरह का लक्षण उभर के आ जाता है तो घबराने या चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन हम एक बात आपको कायदे की बता दें, यदि इस मंत्र की आप साधना कर रहे हैं
तो आपको झाड़ा फूकी की जरूरत स्वयं के शरीर को नहीं पड़ेगी, क्योंकि माँ शारदा का जब ऐसे मंत्र आपको सिद्ध होगा, अपने आप ही आपके परिवार के, आपके घर के, आपके शरीर के हर तरह के बंधन टूट जाएंगे। आपको किसी प्रकार का टोना टोटका उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मात्र सिर्फ आपको मंत्र सिद्ध करना है और आपके बंधन कट जाएंगे। लेकिन दूसरे के बंधन काटने के लिए इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे अति पुण्य की भी प्राप्ति होगी और आपके मंत्र की शक्ति हमेशा बढ़ती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा कि आप सिर्फ शुक्ति बजाएंगे और माँ शारदा खड़े होकर सभी प्रकार के बंधनों को काट डालेंगे। और माँ शारदा आदेश देती हैं हर देवी को, हर देवता को, हर प्रकार की देवियों को, और सभी देवियाँ मिलकर हर प्रकार के बंधन को काट डालती हैं। चलिए, ये तो हो गई मंत्र की सिद्धि। अब मंत्र का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये कि मंत्र का प्रयोग थोड़ा सा इसका अलग है। वैसे भी हम पहले कई वीडियो में बता चुके होंगे, लेकिन आज फिर हम बताते हैं। जैसे किसी के हमें घर का बंधन करना हो, बंधन काटना हो, बंधन करना नहीं हो, किसी के घर का बंधन काटना हो, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक मौली धागा हो गया, नींबू हो गया, इसके अलावा अग्नि हो गई, थोड़ी सी गऊ के गोबर के कंडे में अग्नि हो गई, घी हो गया, और माता रानी की सांगी देखी कि मेरी किसी शावक सांगी रखी हो। ये सांगी आपके यहाँ जरूर होनी चाहिए, तो बनवा लीजिएगा एक, और नहीं बनवा पाते तो बताइएगा, हम भेजा देंगे अपने यहाँ से। हमारे यहाँ छोटी सांगी ने बहुत चढ़ती है, तो हम उनमें से दे देते हैं, चढ़ी चढ़ाई सांगी को भी करती है, तो एक बनवा लीजिएगा और अपनी देवी को घर में वो देवी देवताओं के पास उसको चढ़ा दीजिएगा। एक नवरात्रि भर वो चढ़ी रहेगी तो सांगी में अपने आप ही शक्ति आ जाती है, यदि आप देवी के भक्त हैं तो। तो जैसे ही आपको बंधन काटना है किसी के घर का, किसी की बुद्धि का, किसी के कर्म का बंधन काटना है, तो पहले हम कर्म से शुरू करते हैं। यदि आपको कर्म का बंधन काटना है तो आपको सांगीन लेनी है, और सांगीन से पहले इस मंत्र को एक बार पढ़ते हुए झाड़ा लगा देना है। इसके बाद एक नींबू अपने हाथ में लेना है और नींबू में 3 लौंग फूल के साथ उसमें गड़ा देनी है, छेद करके किसी तरह, और इसके बाद उस नींबू का उतारा करना है। मंत्र को आपको एक बार पढ़ना है और नींबू का उतारा करना है, उल्टा नींबू उसके सिर के ऊपर से उतार देना है। किसी की बुद्धि का या कर्म का बंधन आप काटने वाले तब ऐसा करिए, उतार दीजिए उसके ऐसे, और उसको एक थाली में, प्लेट में, किसी चीज़ में रख दीजिए। इसके बाद जो हमारा पैर होता है, पैर के अंगूठे में एक धागा फंसाइए और उसको नापिए, खड़े करके हमारे सिर तक आना चाहिए, ठीक है, सिर तक धागा आना चाहिए। उस धागा को आप ले लीजिए, उसको फोल्ड करिए 2-4-6 बार, और फिर उस धागे को फोल्ड करने के बाद नींबू के ऊपर इसी मंत्र को पढ़ के लपेटन शुरू कर दीजिए। लपेट करने के बाद उस पर 3 गांठें लगा दीजिए और इसी मंत्र को पढ़ते हुए, माँ शारदा का ध्यान लगाते हुए इसमें 3 गांठें लगा दीजिए। इसके बाद उस नींबू को आप घर के बाहर निकालिए, जिसे दरवाजा हो जाता है, हमारा आंगन हो जाता है, कहीं भी या आंगन नहीं है, कई घरों में आजकल पक्के घर होते हैं, कई घरों में आंगन नहीं होते, तो घर के बाहर दरवाजे के दाहिने तरफ थोड़ी सी अग्नि जलाइए, माँ शारदा का ध्यान करिए, उसमें होम लगाइए घी का, और नींबू जो धागा बांध के आप लाए हैं उसको वहीं पर रखिए, और किसी तेज धार वाले सामग्री से मैं धागा के उसको काटिएगा, तो मैं धागा के उसको काटिएगा, 2 टुकड़े करिएगा, और जब वो 2 टुकड़े हो जाए उसको दोनों नींबू पकड़िएगा अपने हाथ में, और दोनों की आप धार नीचे जमीन में गिरा दीजिएगा। ऐसा करने से बुद्धि का और कर्म का बंधन कट जाता है। आप इन नींबू के टुकड़ों को अलग अलग करके भी धार दे सकते हैं, इसे पहले टुकड़े से भी मंत्र पढ़ते हुए धार दीजिएगा और दूसरे टुकड़े को भी मंत्र पढ़ते हुए धार दीजिएगा, तो बंधन कर्म का और बुद्धि का कट जाता है। पितरों के और कुलिष्ठों के बंधन काटने में भी इसी प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको नींबू भर उतारना है और नींबू को ही काटना पड़ेगा। इतना आप करेंगे तो पितरों को देवी देवताओं के बंधन कट जाते हैं। इस मंत्र से अरंडी का डंडा का इस्तेमाल करते हुए भी बंधन काटे जाते हैं। जैसे किसी के घर का ही बंधन काटना है या किसी के शरीर का बंधन काटना है, तो आपको यही करना पड़ता है कि डंडा आप हाथ में लीजिए, मंत्र का पाठन करिए, और पहले तो डंडे से आप झाड़ा लगाइए, घर को भी लगा सकते हैं, दुकान को भी लगा सकते हैं, व्यापार को भी लगा सकते हैं, और शरीर को भी लगा सकते हैं। अब डंठल देखिएगा कि पत्ता
थोड़ा बहुत लगा रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं है, और नहीं है उसमें पत्ते तो काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना डंडा कम से कम सवा फिट एक फिट करीब का होना चाहिए डंडा, और बढ़िया से उससे झाड़ा लगाइए शिव मंत्र को पढ़ते हुए। मंत्र को कम से कम 11 बार पढ़ दीजिए, और इसी मंत्र को पढ़ते हुए थोड़ा सा जल भी मंत्र करिए, पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, शरीर के ऊपर छिड़काव कर दीजिए, और जिस डंडे से आपने झाड़ा लगाया है उसको बीच से इसी मंत्र को पढ़ते हुए और फाड़ दीजिए। ऐसा करने से किसी धारदार औजार से फाड़िएगा, जैसे उससे को बीच से फाड़ेंगे तो यदि किसी के शरीर में बंधन लगा है तो पहली बात तो कई बार इस मंत्र के साथ जैसे डंडा फटना शुरू होता है वैसे सवारी आ जाती है। कई लोगों को, हर व्यक्ति को नहीं आती, कई लोगों को आती है, हमने देखा है प्रूव करके, सवारी आ जाती है, लेकिन जैसे ही डंडा लास्ट तक फटता है और दो टुकड़े हो जाता है फाड़ के, उसी क्षण सभी प्रकार के बंधन कट जाते हैं। तरह तरह के देखिए प्रयोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में मंत्रों का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, आपको खोजना पड़ेगा अपना तरीका कि यह मंत्र आप कैसे प्रयोग करेंगे। ये जो हम लोग तरीके प्रयोग करते हैं वो तरीका हमने आपको बता दिया है। कई लोग इस मंत्र का प्रयोग करते हुए प्रसाद भी माता को अर्पण करते हैं, जैसे आपने किसी का भला किया, स्वयं का भला किया, कुछ भी किया, जितने बार इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है उतने बार ही माँ शारदा को प्रसाद अर्पण किया जाता है। क्या अर्पण करना चाहिए माँ शारदा को? तो सर्वप्रथम तो आपके यहाँ नहीं है मंदिर, कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, माँ शारदा का चित्र नहीं, कोई बात नहीं, आप बढ़िया से अपने पूजा घर में थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए, और अग्नि जलाने का माँ शारदा का ध्यान करते हुए उसमें ओम अर्पण करिए कम से कम 5 बार। मंत्र नहीं आता, ओम शारदे नमः इतना सबको आता है, बढ़िया से होम अर्पण कर दीजिए। इसके बाद मीठी वाली बढ़िया पूरी बनाइए, पुआ भी बोलते हैं कई लोग उसको, मीठी वाली पूरी बनाइए और माँ शारदा को अर्पण करिए, नारियल अर्पण कर दीजिए, नैवेद्य अर्पण कर दीजिए, केला फल प्रसाद ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद माँ से प्रणाम करिए। ऐसा आप जितने बार मंत्र का प्रयोग करें इतने बार कर सकते हैं, और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए वैसे भी किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जो लोग इस मंत्र की साधना कर रहे हो वो ये कवच जरूर अपने लिए बना लें, गले में हर मंत्र को सिद्ध करने से पहले धारण कर लिया करें। जो लोग नहीं बनाते हैं या नहीं बना पाते हैं या हमको नहीं बनाना है, ऐसे लोग हमारे यहाँ से भी कवच मंगा सकते हैं, सुरक्षा कवच, उस कवच को आप धारण करेंगे गले में और मंत्र की साधना सिद्धि करेंगे, किसी प्रकार की क्षति नहीं होती, बुरी बाधाएं हमारी पूजा पाठ में विघ्न डालने नहीं आती, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है। इस मंत्र के लिए आप चाहें तो आसन बंधन मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और वैसे भी शारदा माता के मंत्रों में किसी भी प्रकार के बंधन को बांधने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हम शारदा माँ का मंत्र जापन शुरू करते हैं चाहे बंधन किसी प्रकार का हो, हर प्रकार का बंधन टूट ही जाता है कवच के अलावा, इसलिए ना तो आसन बंधन की जरूरत है और ना ही किसी और प्रकार के कील बंधन की जरूरत है, क्योंकि माँ शारदा का मंत्र भी हम सिद्ध कर रहे हैं तो हर तरह का बंधन टूट ही जाता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से आप कवच एक जरूर धारण करिएगा, और यह विशेष खास मंत्र है, सुनने मात्र से प्रभाव दिखाता है, तो आप इस मंत्र का सेवन करिएगा। यदि आपको लगता है मंत्र आपको सुनने मात्र से लक्षण आपके शरीर में पैदा कर रहा है तभी मंत्र की साधना करिएगा, कहने का मतलब जब आपको मंत्र से लाभ हो जाए सुनने से थोड़ा सा तब आप मंत्र की साधना करिएगा, क्योंकि देखिए मंत्र तंत्र हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर करते हैं, यदि हमें मंत्र के प्रति विश्वास है कि मंत्र असरकारक है थोड़ा बहुत तब तो हमारी श्रद्धा बनी रहती है, और जब हमें मंत्र में कोई असर नहीं होता, हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, जू नहीं रेंगता, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, तो श्रद्धा नहीं बन पाती हमारी मंत्र के प्रति, तो जब श्रद्धा नहीं बनती मंत्र के प्रति जबरदस्ती में मंत्र कोई भी सिद्ध नहीं होता, मजबूरी बस कि हमने बता दिया कि एक माला देवी करनी है तो आप हड़बड़ बिना ध्यान किए बिना कुछ किए और लगे हैं, ऐसे में मंत्र सिद्ध नहीं होता। आपको मंत्र जप करते समय पूर्णतया माँ शारदा का ध्यान करना चाहिए, और मंत्र को बढ़िया प्रयास करिए बढ़िया सुरील स्वर में पढ़ें, ओम सात कुआं पाताल की महारानी, कुआताल की कंकाली, पतने घाट ऊंची टोरिया, बैठे माई गले ही, मतलब शब्द में गलती भी ना हो और हमारा स्वर भी थोड़ा ठीक ठाक रहे। वे सावर मंत्र का स्वर हमारे चैनल में चेक कर लीजिएगा आप कि सावर मंत्र कैसे पढ़े जाएंगे, आप फास्ट भी पढ़ सकते हैं लेकिन आपका ध्यान नहीं टूटना चाहिए, ध्यान हमेशा माँ शारदा की सामने रहना चाहिए, माँ शारदा की जो चित्र है वो हमारी आंखों में गूंजती रहनी चाहिए, माँ शारदा की बड़ी जल्दी ही कृपा होती है। और हम आपको बता दें इस कलयुग में हनुमान जी महाराज, जामवंत महाराज, माँ शारदा माता, माँ काली मैया, माँ जालपा, ये ऐसे देवी देवता हैं जिनके मंत्र बड़े ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, मतलब समय नहीं लगता,
बहुत कम समय में सिद्ध हो जाते हैं और प्रतीक्षीकरण भी इन मंत्रों में मिलता है लोगों को, इसलिए ये मंत्र खास होते हैं और ये बड़ा ही दुर्लभ मंत्र है, आपको और कहीं नहीं मिलने वाला, तो इसको व्यर्थ नहीं जाने दीजिएगा। यदि आप बाकी परोपकार करना चाहते हैं या परेशानी में हैं तो इस मंत्र को सुन के देखिए, यदि आपको लाभ होता है तो इस मंत्र को सिद्ध करिए। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क करिएगा।